हेलो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है वह खासकर लेटरल एंट्री 2020 से 2022 सेशन के सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ हम प्रमोशन से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा भी करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग और सेकेंड सेमेस्टर बैकलॉग का एग्जामिनेशन डेट शीट जारी किया गया है, और इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था। और जैसा कि इसमें लैटरल एंट्री जो कि इंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के बारे में भी चर्चा की गई है, और यही चर्चा स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर रही है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या ये थर्ड सेमेस्टर लैटरल एंट्री के लिए है जिसका सेशन 2020 से 2022 है, और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या 27/9/2021 और 30/9/2021 को थर्ड सेमेस्टर लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिक्स और ग्राफिक्स का पेपर है। यानी मैकेनिक्स और ग्राफिक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 27 और 30 को है। किसी ने पूछा है कि 2021 इवन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के मन में राइज हो रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि यह जो एग्जामिनेशन डेट शीट प्रिपेयर किया गया है वह केवल फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग और सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग और लैटरल एंट्री बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए ही है। यानी 2020 से 2022 सेशन के पहले वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ही केवल है। यानी लैटरल एंट्री के वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन इंटर बेस पर हुआ हो और उनका सेशन 2020 के पहले का सेशन हो, यानी लैटरल एंट्री बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स का ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज़ करना है कि जो 2020 से 2022 सेशन के जो स्टूडेंट हैं, यानी जो लैटरल एंट्री जो इंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम्स यहाँ पर नहीं होने वाला है। यानी ये जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वह केवल और केवल बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। और जैसा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 2021 इवन लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो होता है वह ऑड सेमेस्टर में काउंट होता है। यानी अगर आपका एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आएगा तो उसमें लिखा रहेगा 2021 ऑड। उसी तरह से अगर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स का रूटीन आता है तो उसमें मेंशन रहेगा 2021 इवन। यानी इससे आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं करना है। और जहाँ तक सब्जेक्ट कोड की बात है, आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कोड है 16/0/21/04 और 16/0/12/04। तो ये सब्जेक्ट कोड सारे एग्ज़ाम्स के लिए सेम ही होते हैं, चाहे वे बैकलॉग्स के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर लैटरल एंट्री फ्रेश बैच के लिए हो या फिर लैटरल एंट्री बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए हो, क्योंकि आपका पेपर जो है वह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर ही होगा और वह ओल्ड सिलेबस ही होगा। और इसके अलावा अगर इसको हम और अच्छे से क्लियर करें, तो अगर ये 2020 से 2022 सेशन के लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए होता तो इसमें एक पेपर और ऐड होता, और वह होता इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पेपर। यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो यहाँ पर आपको यह भी कंफ्यूजन होगा कि जो शेड्यूल तैयार हुआ है, या कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन रूटीन SBT के द्वारा से जो प्रकाशित किया गया है उसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की भी चर्चा की गई है, तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पेपर के लिए भी बैकलॉग स्टूडेंट्स का ही केवल एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। यानी 2020 से 2022 सेशन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन की सूचना नहीं दी गई है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि यह जो एग्जामिनेशन डेट शीट है केवल और केवल बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए ही है। और उसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल पेपर के शेड्यूल भी दिखाए गए हैं, 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपका जो प्रैक्टिकल पेपर्स के एग्ज़ाम होंगे उसको कंडक्ट करवाया जा सकेंगे।
और जहाँ तक फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस, थर्ड सेमेस्टर लेटरल इंट्री, फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल इंट्री और फोर्थ सेमेस्टर्स रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड SBT द्वारा कोई भी नोटिस को अभी तक जारी नहीं किया गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर उनके एग्जाम्स होने होते तो अभी तक SBT द्वारा एग्जामिनेशन प्रोग्राम को जारी किया जा सकता था, बट उसमें काफ़ी लेट हो रही है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब यह उम्मीद बनती नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इन सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए, यानी जो प्रमोशन की चर्चा चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी इन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सेशन भी लेट हो चुका है और अभी तक एग्जामिनेशंस के प्रोग्राम भी जारी नहीं किए गए हैं। और अगर अभी एग्जामिनेशंस के प्रोग्राम जारी किए जाते हैं तो अभी से 1 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम लिए जा सकेंगे, यानी कम से कम उनको 1 मंथ का टाइम मिलना चाहिए। और 1 मंथ का मतलब हुआ कि अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जा सकेगा, और अक्टूबर का जो समय है वह आपके सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट होने का समय है। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर जो कुछ परिस्थितियाँ हैं वह आपके अनुकूल नज़र आ रही है, यानी हो सकता है कि 1 या 2 दिन में SBT आपको प्रमोट कर दे। तो हो सकता है कि इस वीक में SBT के द्वारा आपको प्रमोशन का नोटिस जारी कर दिया जाए, बट फिर भी जब तक कोई ऑथेंटिक नोटिस नहीं आ जाता है, यानी SBT द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तब तक आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।